देखो यार, मुंबई बहुत बड़ी है और इतना ज़्यादा घूमने के बाद, फैशन स्ट्रीट देखने के बाद, हमने डिसाइड कर लिया था कि हम कोलाबा मार्केट तो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में इतना सुना है कि यहाँ पर बहुत रिच पब्लिक आती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्रेसलेट्स और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपको फैशन स्ट्रीट में कहीं ना कहीं अवेलेबल नहीं थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरी मानिए, यहाँ पर सच में बहुत ही रिच क्राउड था, जिसकी वजह से यहाँ के जो वेंडर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अड़ियल हो रहे थे और काफ़ी रूडली बात कर रहे थे। नॉट एवरीबॉडी, बट होते हैं ना कुछ लोग, तो उन्हीं के वजह से मेरा एक्सपीरियंस कोलाबा कॉस्टे में थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा। यानी ना तो मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और ना ही मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। कपड़े तो मैं ज़्यादा लेती नहीं हूँ, इसलिए मैं सिर्फ विंडो शॉपिंग करते वक्त सिर्फ देख रही थी और मैंने कुछ भी ख़रीदा नहीं। प्राची जो हमारे साथ हमारे लिए एक स्ट्रेंजर बनके थी, वो अब स्ट्रेंजर नहीं रह चुकी थी। उनकी पसंद नापसंद के बारे में वो सब कुछ हमें यहाँ बता रही थी। प्राची ने ये तक बताया कि उन्होंने इस तरीके की चीज़ें पहले भी खरीदी हैं, एंड शी बिलीव्स इन मेडिटेशन, इसीलिए ये जो सारा सामान था ये मेडिटेशन का था। यहाँ पर बहुत पेस्ट्री का एक शॉप था जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, इसीलिए सोचा आपको भी दिखा दूँ। ये पेस्ट्री का रेंज कुछ स्टार्ट हो रहा था 120 रुपीज़ से, सारे पेस्ट्रीज़ 120 रुपीज़ के अवेलेबल थे। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर टॉप्स अवेलेबल हैं, वो भी कॉटन मटेरियल के। पर मुझे क्या था, मुझे तो शॉपिंग करनी नहीं थी, भूख लग गई थी, इसलिए हमने कर लिया लंच। लंच में हमने खाई बिरयानी, वहीं के पास के एक होटल में हमने बिरयानी ली। वैसे बिरयानी का टेस्ट तो काफ़ी अच्छा था, बट क्वांटिटी काफ़ी कम थी। आगे बढ़ लेते हैं हम और सोचते हैं कि अब चले जाएंगे रिटर्न, अब समय हो चुका है, क्योंकि अब इसके बाद हमको चोर बाज़ार भी जाना था। वेल, बट बीच में हमको दिख गया एक छोटा मिनी शॉप जिसको हम देखने लगे, और यहाँ पर जो लाइन लिखी थी ये मुझे बहुत पसंद आई, तो वो आप रीड कर सकते हैं पॉज करके। देन हम आगे बढ़ते ही हमने देखा कि एक अंकल बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी का कुछ कर रहे थे, यानी ही वॉज़ मेकिंग फ्लावर्स ऑफ इट। तो वो देखने के लिए हम लोग काफ़ी रुक गए, मैंने और प्राची, हम दोनों ने ट्राई किया कि ये करने की कोशिश करें। ये 150 में अंकल बेच रहे थे, 150 में उनकी सुई और साथ ही साथ धागा। 150 रुपीज़ में आपको धागा और सुई ही मिलती है। ये जो हाथ में उनके आप प्लेट देख पा रहे हैं जिसके ऊपर उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की हुई है, वो प्लेट आपको मिलती नहीं है। अंकल का ये भी कहना है कि वो इसी जगह पर कोलाबा में बैठते हैं, कोलाबा में ही वो हमेशा रहते हैं। तो वो ये भी कह रहे थे कि जब फॉरेनर्स आते हैं तो तब वो उनसे ये किट $10 में भी ख़रीदते हैं, विच इज़ अ ग्रेट अमाउंट। सो इफ़ यू वॉन्ट टू मीट दिस अंकल, यू कैन डेफिनेटली गो टू कोलाबा, और ये वहीं स्ट्रीट पे बैठे हुए होते हैं। शाम हो चुकी है, टाइम क्या हो रहा है प्राजी? 5:55 हो रहा है, मतलब शाम के 5 बज चुके हैं गाइज। और अभी हम जा रहे हैं चोर बाज़ार। फाइनली हमने फैशन स्ट्रीट देख लिया, कोलाबा पास से देख लिया कोलाबा का मार्केट, और एक्सपीरियंस वॉज नॉट सो गुड। कोलाबा वॉज नॉट नाइस टू मी बिकॉज You got the purse. I got the purse, but after so many arguments, so इसीलिए so I was a little tired. But no worries, अभी देखते हैं चोर बाजार कैसा है। Other than that, यहाँ पर टैक्सी मिलना और बस मिलना, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। एंड ऑफ द डे यू हैव टू बिलीव वट एवर दे आस्किंग फॉर एंड यू हैव टू पे दैट। ये जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की बात हो रही थी, वो आर्ग्यूमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि हुआ क्या था। हुआ एक्चुअली ये था कि मैं कोलाबा कॉस्टे में, मुझे एक पर्स पसंद आई थी जिसके वजह से मैं वहाँ पर बार्गिन करना मैंने स्टार्ट कर दिया। वो पर्स मुझे वो कह रहे थे कि वो 450 में देंगे, बट एज़ यूजुअल आपको ये पता है जब भी आप विंडो शॉपिंग करते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बार्गिन। तो वही मैं कर रही थी और मैंने उनसे कहा कि 200 में दे दो, 200 में दे दो, 200 में दे दो। बट उनके साथ का जो वेंडर था उसने कहा कि ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं, बाकी इन लोगों को ख़रीदना नहीं है, जो कि गलत लगा मुझे और काफ़ी बुरा लगा, जिसके वजह से मेरी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट वहाँ पे हो गई कि इस तरीके से ऐसा नहीं होता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वीडियो चलाने का जो बात निकलती है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा खटकती है। खैर, हम पहुँच गए थे चोर बाज़ार, और चोर बाज़ार में ऐसा कुछ खास देखने मिला नहीं, जिसकी वजह से मैंने वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड किया नहीं। अगर आपको चोर बाज़ार असल में देखना है कि वो कितना अच्छा है और वहाँ क्या क्या मिलता है, उसके लिए आप वहाँ जा सकते हैं जुम्मे के दिन, दैट इज़ फ्राइडे। फ्राइडे के दिन वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कम कॉस्ट में और क्वालिटी वाइज अच्छी जो होती है मिल सकती हैं आपको, बट अदरवाइज बिकॉज आज संडे था इसीलिए हम कुछ भी वहाँ पर देख नहीं पाए। आफ्टर दिस वी डिसाइडेड टू गो टू मरीन लाइन्स, क्योंकि हमको देखना था मरीन लाइन्स का सनसेट। और यूजुअली मैं यहाँ पर
आने से पहले, यहाँ किसी भी जगह जाने से पहले मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सारी रिसर्च करके चलती हूँ। तो मरीन लाइंस के बारे में मैंने सोचा था कि यहाँ पर मरीन में काफ़ी सुंदर जगह होती है और साथ ही साथ यहाँ पर पत्थर दिखाई देते हैं जो कि मुझे दिखाई नहीं दिए, जिसकी वजह से मैंने ये सवाल भी पूछा कि यहाँ पर पत्थर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। देन आई गॉट टू नो क्योंकि इतना क्राउड है यहाँ पे इसीलिए वो पत्थर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर झाँक कर नीचे देखा जाए तो वो पत्थर ज़रूर दिखाई देंगे। वेल, मरीन लाइन का एक्सपीरियंस इतना कुछ ज़्यादा अच्छा था नहीं, इसीलिए वी डिसाइडेड टू डायरेक्टली गो टू होम, क्योंकि यहाँ पर कोई सनसेट दिखा नहीं, हमारे जाते जाते सनसेट जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका था। गाइस, और मुझे बिल्कुल भी ऐसे लग नहीं रहा है कि मैं प्राची को पहली बार मिली हूँ और ये हमारे लिए एक स्ट्रेंजर थी। अभी सिर्फ एक प्राची से बात सुननी होगी कि नाउ वी आस्क प्राची हाउ इज शी फीलिंग, क्या है प्राची के व्यूज। मेरे को बहुत सही लगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को भी बिल्कुल नहीं लगा कि तुम लोग स्ट्रेंजर्स हो मेरे लिए। एंड ऑल ऑफ द शॉपिंग वी डिड टुगेदर, इट वाज लाइक आई वाज स्पेंडिंग टाइम विद माय ओन फ्रेंड्स, जो मतलब सालों से फ्रेंड्स हैं। मैं तो ऐसे इंसिडेंसेस में चली भी गई थी कि ये मेरी साइड में रहने वाली दोस्त है, घर के साइड में, सो दैट आई कैन शेयर ऑल दीज लाइक स्टफ आई बॉट उसके साथ। सो मैं कोशिश करूंगी कि बार बार हम मिल पाए एंड लाइक वी एक्सप्लोर मोर। प्लान ऑलरेडी कर चुके हैं हम, बिकॉज वो पुणे में रहती हैं और सून आई एम प्लानिंग टू गो टू पुणे फॉर माई स्टडीज। तो प्लान यही है कि आपको और भी ज़्यादा वीडियोज़ देखने मिल सकते हैं प्राची के साथ। तो अभी के लिए आई वुड लव टू गिव अ हग टू प्राची एंड से थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विद मी, इट वॉज अ अमेजिंग डे। एंड फॉर अ फैक्ट दिस डे आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस डे ट्रूली। दैट इज इट फॉर द वीडियो। अभी हम जा रहे हैं घर, मैं जाऊंगी कल्याण की ट्रेन पकड़ के और प्राची जाएंगी पुणे की ट्रेन पकड़ के। टिकट ऑलमोस्ट निकल चुकी है, प्राची अपने फ्रेंड के लिए रुकी हुई है एंड वंस शी विल कम वी आर गोइंग टू हेड टू द आवर हाउसेस। तब तक आई विल सी